आज हम कार लेके आ चुके हैं। ये है किया की हैचबैक पिकांटो। आई थिंक ये गोगेट की ऑफरिंग में सबसे छोटी गाड़ी है। इसके इंटीरियर्स कुछ ऐसे हैं। सो अगेन, मैंने आपको पिछले गोगेट वाले वीडियो में दिखाया था, वो थी किया की स्पोर्टाज। तो तब मैंने एक चीज़ यूज़ करी थी कि बड़े सिमिलर लुकिंग इंटीरियर्स होते हैं इनकी सारी गाड़ियों के, एक डिज़ाइन लैंग्वेज की सिमिलैरिटी होती है। तो मटेरियल्स ज़रूर वेरी कर जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे बड़ा चीप सा प्लास्टिक है पूरे स्टीयरिंग पे, सारे बटन्स बड़े चीप से हैं। ये सारे बटन्स, इवन पार विंडो के बटन्स आर, आई थिंक आई फाइंड देम स्लाइटली चीपर दैन वॉट यू गेट ऑन द स्पोर्टाज एंड सम अदर वेरियंट्स। ये सारा प्लास्टिक भी एकदम सारा हार्ड प्लास्टिक है, हर जगह हार्ड प्लास्टिक है, कहीं पर भी आपको सॉफ्ट टच प्लास्टिक देखने को नहीं मिलेगा। सो अब बात करें अगर इसके फीचर्स की, तो यहाँ पर हमारे पास हैं बेसिक एयर कंडीशनिंग के मैनुअल कंट्रोल्स, लाइक यू गेट इन एनी कार। यू हैव एयर कंडीशनिंग, यू डू हैव अ रेयर डीमिस्टर और डीफॉगर, एंड देयर्स ऑफ कोर्स योर स्टैंडर्ड कनेक्शंस। ओवर हियर यू कैन सी दिस एंटायर सॉर्ट ऑफ बिग स्पेस, बट इफ आई पुश दिस दैट यू हैव योर कप होल्डर, इफ आई पुश दिस दैट्स योर अदर कप होल्डर। सो दीज आर रिट्रैक्टेबल सॉर्ट ऑफ, देखो नॉट वेरी हाई क्वालिटी, क्वाइट फ्लिम्सी, बट दे डू द जॉब आई गेस। सो यू कैन हैव अ बिगर स्पेस, मे बी यू कैन कीप योर फोन लाइक दैट और यू नो प्लेस इट इन देयर, और यू कैन गेट द कप होल्डर आउट। एंड यू डू हैव ऑफ कोर्स द स्टैंडर्ड 12 वोल्ट सॉकेट राइट देयर। जो आप यहाँ पर ये USB पोर्ट देख रहे हैं, इसके थ्रू आप इसके स्टीरियो में यू कैन गो इन टू एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। सो दैट्स गुड, उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। ये आप पीछे देख सकते हैं, दैट्स द रेयर स्पेस, देयर इज हार्डली एनी स्पेस, लाइक लेग स्पेस इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मिनिमल ओवर हियर। लाइक हाउ मच ऑफ अ लेग वुड यू फिट इन लेस देन 1 फुट ऑफ स्पेस। सो या लाइक आई सेड, नॉट अ लॉट ऑफ स्पेस हियर इन द बैक, इट्स प्रीटी लिमिटेड। आई वुडंट इवन वॉन्ट टू ट्राई फिटिंग इन, बट आई स्टिल गिव इट अ शॉट। ओके, फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो एंड योर व्यूइंग प्लेजर, आई स्टफ्ड माई सेल्फ हियर इन द बैक, एंड आई डोंट थिंक आई वुड एवर इवन ट्राई फिटिंग माई सेल्फ इन द बैक ऑफ दिस कार। आई हैव नो लेग रूम एंड माई हेड इज एब्सोल्यूटली स्क्विश्ड अगेंस्ट द रूफ, सो नॉट अ कार फॉर अ 6 फुटर इन द बैक, एब्सोल्यूटली नॉट। प्रॉब्ली kids might fit in as well, but they'd have to be really young. I would definitely say this car is best suited for max 3 people. Like I would not go above 2 people in this one. I think for a couple or for 2 friends sort of traveling together it's fine, but more than that maybe hard to fit, but if it's a short drive it might be okay. That's your rear 3/4. That's what it looks like. Pretty thin tires. You're looking at 175/65 R14. So nothing to brag about at all. That's the side profile, and the standard Kia grille up front. That's how it looks. Small and cute, I suppose. So that's what the rear of the car looks like. Let's see. We do have a camera here that helps you reverse, and you do have parking sensors as well. And yeah, rear wash wipe as well. That's the boot size. Again, not very big. You wouldn't want to do an airport run for more than 2 people.
or probably just one person's luggage might actually fit in. But yeah, for the city run, it's not too bad. You can get some groceries in. I like the fact that Kia hasn't skipped on the grocery bag hook right here. You have one on the other side as well. You do have a boot lamp. The seats can fold flat. There we go. So that's your standard 60-40 split, I suppose. And yeah, you can get your Isofix child seats as well. The car is not very powerful either, so don't expect to win any races on this one. अगर हम बात करें इस क्लस्टर की, जो स्पीडोमीटर और ओडोमीटर हैं, दे वेरी बेसिक, किया की नॉर्मल डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो करते हुए हैं. बट जो ये बीच की स्क्रीन है, दैट्स यू नो ऑब्वियसली मच लोअर ग्रेड. एक स्टैंडर्डाइजेशन की बात हो जाती है कि आपको क्या फीचर्स इन गोगेट की कार्स में मिलते हैं, एंड दे आर प्रीटी गुड आई वुड से. यू डू हैव मैप्स दैट कम अप ऑन द स्क्रीन, यू कैन कनेक्ट योर फोन एंड play audio through that. Of course, you do have Bluetooth and FM radio as well. So the basics are covered. Air conditioning, of course. The stereo system is better in some of the other GoGet vehicles, but this small hatchback makes for a good car if you're going, you know, to the mall for a short run, you know, short sort of drive within the city. Usually highway pe car chal jati hai, but like any other, you know, short wheelbase hatchback, you'll find you know, a little bit of movement here and there. Like, you won't be as comfortable as you would in some of the larger cars. Or price comparison ki baat main exact numbers mein karne ki bajaye aapko ye bata dun that whatever you pay for this car for one day, you can get some of the larger cars for not more than probably around 10 to 15% higher cost. You can get a Cerato, for example, within about 15%, but it depends. Like, if budget is, you know, what you're concerned about, then this makes for a good car. So that's been my short and simple review of the Kia Cerato. That's been my short and simple review of the Kia Picanto. Again, on the GoGet platform. This, I think, is the cheapest vehicle, as I earlier mentioned, that GoGet provides. I think it makes really good sense to rent one of these if you're just planning to move around the city and, you know, buy some groceries and so on. But there are better options on the platform, and I've covered some of them already. If you haven't seen them, you can go to the top right of the screen and check out my reviews for the GoGet BMW Convertible, the GoGet Kia Sportage, and I'll keep covering the rest in the coming few days. So if you're liking this channel at all, please do subscribe, press the thumbs up, do press the like button, share it with people you think would benefit from knowing all of this. And my videos are not limited to car reviews, so make sure you check out all of my travel vlogs, and do let me know how you find them. Thank you so much, and see you in the next video.